जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग थके हुए राही को जल नहीं पिलाते वे नीच पक्षी का जन्म पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसमें एक ब्राह्मण और उसके घर की छिपकली की कथा है। पुराने समय में हेमांग नामक एक राजा था। वह इच्छ्वाकु वंशी राजा बहुत ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय तथा ब्राह्मण भक्त था। पृथ्वी में जितने रजकर हैं उस राजा ने उतनी गायें ब्राह्मणों को दान की थी। वह हर प्रकार से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखता था। उसने अनगिनत यज्ञ कराए। उसके यज्ञ की कुसाओं से पृथ्वी पट गई। भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न दान आदि जो भी दान है उस राजा ने वे सभी तो किए, परंतु जल दान नहीं किया। एक बार वशिष्ठ ऋषि उसके राज्य में पधारे और राजा को जल दान करने की सलाह दी। तब स्वयं को अधिक चतुर समझने वाला राजा इस प्रकार बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, पृथ्वी पर जो वस्तु बिना मूल्य के सबको प्राप्त है उसका दान करने से क्या फल मिलेगा? जो वस्तु हर किसी को नहीं मिल पाती उसको देना ही पुण्य है। ऐसे तर्कयुक्त वचन राजा ने कहे, परंतु जल दान नहीं किया। दान भी वह उन ब्राह्मणों को करता था जो लूले, लंगड़े और दरिद्र होते थे। वह वेद पाठी, तत्वज्ञानी तथा ब्रह्मवादियों को दान नहीं देता था। उसका कथन था कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को तो सभी दान देते हैं, किंतु ये अपाहिज, दरिद्री, जीविका विहीन बिचारे हर प्रकार की वस्तु के अभाव में दुख भोगते हैं। सो मेरा दान तो इन्हीं के निमित्त है। इस तरह वह दुर्बुद्धि राजा कुपात्रों को ही दान करता रहा, जिसके कारण वह 3 जन्मों तक पक्षी योनि को प्राप्त हुआ। फिर 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुकर बना। तत्पश्चात उस छिपकली का जन्म मिला। छिपकली की योनि को प्राप्त कर वह राजा मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के महल के दरवाजे की चौकट पर 87 वर्ष तक कीड़े खाता हुआ रहा। संयोग से एक दिन राज श्रुतकीर्ति के घर श्रुतिदेव नामक मुनि आए। राजा मुनि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अर्घ देकर गुरु के चरण धोए तथा उनके चरणामृत को जब अपने मस्तक पर छिड़का तो वह जल छिपकली के ऊपर भी पड़ गया। उस जल के प्रभाव से छिपकली को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। तब अपनी पूर्व योनियों के दुख से दुखित हो वह छिपकली त्राहि त्राहि करती हुई यह कहने लगी, हे मुनिराज, आप मेरी रक्षा करें। छिपकली के मुख से मनुष्य की वाणी सुनकर मुनि आश्चर्यचकित रह गए और उस छिपकली से बोले, तू कौन है? तू शोकाकुल होकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही है? तू इस योनि को कैसे प्राप्त हुई? तू अपनी कथा कह, मैं तुझे इस योनि से मुक्त कराऊंगा। मुनि के सांत्वना देने वाले इन वचनों को सुनकर वह छिपकली बोली, हे मुनिराज, मैं इच्छ्वाकु वंश का हेमांग नामक
राजा था, पूर्व वेदज्ञ, धर्मनिष्ठ तथा ज्ञानी भी था। मैंने अनगिनत गौवें दान की थी, अनगिनत यज्ञ किए, कुएं तालाब खुदवाए, बाग बगीचे लगवाए, सब प्रकार के दान किए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, किंतु फिर भी मैं 10 जन्मों तक चातक, गिद्ध तथा कुत्ते की योनि पाकर अब 12वें जन्म में छिपकली की योनि में आ पड़ा हूँ। आपके आगमन पर अभी जब राजा ने आपका चरणा मृत लेकर अपने ऊपर छिड़का तो उसकी एक बूंद मेरे ऊपर भी पड़ गई। उसके पड़ने से ही मुझे सब जन्मों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप मेरे दुखों का कारण बताइए कि किस पाप के फल स्वरूप मेरी यह दशा हुई है। छिपकली का वृतांत सुनकर मुनि ने ज्ञान नेत्रों से उसके पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और सब कुछ जान लेने के बाद इस प्रकार कहना शुरू किया, हे छिपकली, मैं तेरी इस दशा का कारण बताता हूँ। तूने नृप शरीर में दान, धर्म, यज्ञ आदि तो सब किए, किंतु विष्णु के प्रिय मास वैशाख में जल का दान नहीं किया। तूने जल को प्राप्य पदार्थ समझकर भी इसका महत्व नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तूने सुपात्रों को भी दान नहीं दिया। तेरे दान के पात्र सब हीन व्यक्ति ही रहे। सुगंध से भरपूर सुंदर फूल वाले कांटेदार गुलाब की कोई पूजा नहीं करता। पीपल का वृक्ष ही पूज्य है, तुलसी की पूजा सब करते हैं, बेरी कटेरी को कोई नहीं पूजता। इसी प्रकार अनाथों की भी पूजा नहीं होती। हाँ, उन पर दया की जाती है, वे दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। अतः वेद पाठी, तपस्वी, ज्ञानी, शास्त्रों के जानने वाले पूजन के योग्य हैं। इनमें ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय है, अतः वे पूज्यों के भी पूज्य हैं। ऐसे ज्ञानियों की अवहेलना करने वाला मनुष्य पाप का भागी बनता है। तीर्थ स्नान एवं मूर्ति पूजन भी तत्काल फलदायक नहीं होता, किंतु ज्ञानी महात्माओं के तो दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। हे इच्छुआंकु वंशज, तूने तो यह दोनों ही कर्म त्यागे हैं, अर्थात न तो जल दान किया और न ज्ञानी महात्माओं तथा वेद पाठियों का आदर ही किया। इसी कारण तू इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। हे राजा, मैंने जो वैशाख मास में पुण्य किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। यह कर मुनिवर ने जल हाथ में ले अपने पुण्यों के फल का संकल्प करते हुए उस छिपकली पर छिड़क दिया। उस जल के प्रभाव से राजा ने छिपकली का देह त्याग कर सब पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर प्राप्त किया। फिर सबके देखते देखते उसके लिए आकाश से विमान भी आ गया। तब वह राजा मुनि के हाथ जोड़ परिक्रमा कर आज्ञा ले विमान में चढ़ गया। जब विमान स्वर्ग को चला तब देवता स्तुति करके उस पर फूल बरसाने लगे। फिर स्वर्ग में 10,000 वर्षों तक समस्त सुखों का भोग करने के बाद वह इच्छुआंकु वंश में पैदा राजा सभी सुखों को भोग करने के बाद 7 द्वीपों पर राज्य करता था। वह पुनः बड़ा ब्राह्मण भक्त था। साधु
शिवी और परमार्थ ज्ञानी भी बना। वह न्यायपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वशिष्ठ मुनि उसके राज्य में आए। उन्होंने उसे वैशाख मास के समस्त धर्म कर्म भी बतलाए। तब राजा ने मुनि के बताए अनुसार सभी कृत किए और सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु सायुज्य से मुक्ति प्राप्त की। यह वैशाख मास सब फलों को देने वाला है। इस पवित्र मास में जो मनुष्य यथाशक्ति दान धर्म करता है वह दीर्घायु होकर भगवान का प्रिय बनता है और सब पापों से छूटकर वैकुंठ लोक को जाता है।